एवरी वन वेलकम टू अनदर एपिसोड आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं सम वन हु इज़ इन द बिजनेस फॉर द लास्ट लाइक फोर टू फाइव डेकेट्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें आई थिंक इस तरह की इंस्परेशनल पर्सनैलिटीज़ के साथ मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम मिलता है जो टी वी के ऊपर हम लोग देखते हैं देर इज़ मोर फ्लफ बट यू नो द एक्चुअल काम जो है वो लोगों ने इतना ज़्यादा शायद नहीं किया होता टूडे वी हैव इम्तियाज सबासमिंग आपने like there, there are a lot of things which i wanted to talk about, but i think like you are one of the pioneer in the real estate archal tamzara jadoo in bade groups and who recently sort of started aigdo decades after like still like after 45 years, what makes you wake up every day? like what is your sort of why a business is one part that i do for my living, let's say, and uh, that has been one part. But uh, now I'm relaxed about that. So I have been very much involved with the international politics and also national politics uh, intellectually. Mm -hmm. uh, so that is one of my areas of interest. And then I have a Jinarafi Foundation, which was made because of my father's on his name and Khyati Azam's name. That's the third thing. And uh,

टॉक टू मी लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड ग्राउंड आप कहाँ पैदा हुए हैं हाउ ऑफ यंग और उस टाइम का पाकिस्तान और लाइक कंपेयर टू दीज तो डेज आई एम श्योर इट्स जमीन आसमान का फ़र्क जमीन आसमान का फ़र्क है अगर मैं गाड़ी चलाऊँ लाहौर में मेरा अपना शहर है तो मैं नाहौर जहाँ बन गया तो मैं सड़क नहीं पुछ, पुछान सकता इतना ज़्यादा डिफरेंट हो so, अब लाहौर पैदा हुआ मैं लाहौर पैदा हुआ फिर सेकेंडली आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चेंज आया है इन द लास्ट ट्वेंटी थर्टी ईयर्स ग्रोथ में hmm. और स्टाइल ऑफ लाइफ में फिर पिछले पंद्रह साल से जब से सोशल मीडिया आया है, तो उसके साथ मैं समझता हूँ हमारा कल्चर भी बहुत चेंज हो गया बहुत sure. चेंज हो गया अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इंटरनेशनल uh, कल्चर हो गया इंटरनेशनल थिंकिंग होगी है सब की सो दैट्स अ बिग चेंज अदरवाइज हमारे जमाने में तो इट वॉज वेरी मच लोकल एवरी थिंग वॉज लोकल और जब आप बड़े हो रहे थे उस टाइम आपकी क्या इंस्परेशन थी वो एक होता है ना जी बचपन से मैंने बिजनेस में जाना है या आई वॉन्ट टिपन या उस टाइम यू वर लाइक लाइक वट वॉज योअर ऑफ थिंकिंग एट दैट टाइम या फैमिली के अंदर क्या कल्चर था उस टाइम तला बात यह है कि एवरी बॉडी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इनवायॉयरमेंट्स इंसीडेंस को I am a product of that, and what you've gone through, you are a product of that. So, basic yoga. Bo unfortunate incident my father died in an air crash when I was two months old, one year after Pakistan independence mili. That's 1948. So, my mother did not tell me, my family did not tell me that he is dead. They did not have the courage to tell me when I was growing up. So. When I was growing up, so I I lacked confidence because not seeing a male male figure in the house. Mm -hmm. So I became a very shy kid. And because of my shyness, my mother was forced to send me to a boarding college, which is Lawrence College Ghoragali Murray. Okay. So they were forced to send me there. So once I went to Lawrence College Ghoragali and Wape Long बाप आए हुए थे छोड़ने mm. मेरी माँ आई हुई थी छोड़ने तो दैट वॉज द डिफरेंस तो आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज एंड इनसेर अबाउट इट सो वो एक कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे जेन में और एक चीज़ बताऊँ तला कि हम सब का जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना सेवन ईयर्स एज तक वो फॉर्म हो जाता mm. हो चुका होता है सब कॉन्शियस माइंड

तो चार पाँच महीनों के बाद कॉलेज स्कूल के बाद जब मैं छुट्टी पे लाहौर गया तो दैट आई हैड इन माई माइंड सो आई कन्फ्रंटेड माई मदर बाय इज़ माय फादर शी इज टू से इज गॉन्न टू अमेरिका फॉर बिजनेस जब मैं ग्रो कर रहा था बट मैंने इतना स्ट्रांगली कन्फ्रंट किया कि शी फेल्ड शी हेज़ टू टेल मी द ट्रुथ एंड शी टोल्ड मी ही डाइड इन एन एयर क्रैश and then she started telling me his relationship with Jinnah, Jena Azam. and then she started telling me how great the man was, and uh, so वो जब मुझे कह रही होती थी तो I thought ये वैसे ही माँ है दिवानी की hmm. तरीके hmm. से बात कर रही है हम तो middle class में रह hmm. रहे थे after his uh, death तो वो कहाँ Kaideazam के साथ था और बहुत बड़े दो लोग आते थे उसको मिलने और वो जाता था साइकिल्स के साथ और ममडोल्स मम्दू, के साथ तो आई इज जस्ट टेलिंग मी स्टोरीज़ बट जब मैं मैट्रिक में गया नौवीं दसवीं में गया तो शी टोल्ड मी ये संदूक में ख़त पड़े हुए हैं कायद अजम और रफ़ी भट के आई सो देम माय ओन आईज आई रेड दैम बट आई वॉज टू यंग रियली टू अंडरस्टैंड दी वैल्यू ऑफ़ कायद अजम अली चन् बट देन दो लेटर्स हमने को दो घर तीन घर शिफ्ट किए उसमें वो जो सूट के संदूक था जिसमें hmm. वो सारी तस्वीरें सारा कुछ था वो कहीं गुम गई तो तो मैंने उस चीज़ को इतनी अहमियत उस वक़्त नहीं दी hmm. मैं जब पंद्रह सोलह साल का था उस, उस वक्त अहमियत नहीं दी बट हाउ डिड यू फील जब उन्होंने आपको प्रॉब्ली आप आठ दस साल के थे मेरे ख्याल से तो उन्होंने टाइम यू गेट द वो ट्रूथ ऑफ ऑफ योर लाइफ के यार लाइक आपके वालिद साहब तो नहीं है मुझे शक था ओके यू नो शक था सो इट वाज नॉट दैट बिग अ शॉक बिकॉज आई हट सीन हिम तो मुझे hmm. शक था बट देन उसके बाद वो मुझे बताती रही वो क्या था दैट ही वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया Hmm. he was the first banker of Muslim banker in India. Rafi Bhatt ne 1936 mein Central Exchange Bank banaya. 1936 mein first Muslim in India. And Habib Bank jo hai hmm. 1942 mein bana by a Muslim. So she kept telling me those things. But मैं उनको semi believe करता था hmm. semi believe नहीं करता था because जो मेरा environment था वो तो एक मिडल क्लास में था सो बट वो सब कॉन्शियस माइंड में चला गया सो सब कॉन्शियस माइंड में जाके इसका जो टोटल सम अप हुआ ना वो ये था कि आई वॉन्टेड टू बी फिनेंशियली कंफर्टेबल टू बी फ्री फ्राम फिनेशियल प्रॉब्लम्स सो आई कैन लिव अ हैप्पी एंड इंटरेस्टिंग लाइफ वो था सो एज आई सेट टू यू आई रिपीट मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट्स इंसिडेंसिस को इंसिडेंसिस एंड एक्सीडेंट्स एंड यू कॉन्ट गेट आउट ऑफ दैट सब कॉन्शियस माइंड होता है आज मेरा कॉन्शियस माइंड जो कहता है ना जो भी कहता है उसको स्टिल सब कॉन्शियस माइंड करेक्ट कर रहा होता है ना उसको बॉडर कर रहा होता है तो सब कॉन्शियस माइंड से निकलना बहुत मुश्किल काम है कॉन्शियस माइंड उसको दबा नहीं सकता सो दैट वॉज वन रीजन वाई आई वॉज अग्रेसिव विथ वर्क वाई आई बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज आई स्टीटिंग विद माई फादर्स इन इच वॉज क्वाइट बहुत ही uh, हाई yeah. था बहुत ही हाई था बहुत ही हाई था तो मगर जब मैंने उन पर रिसर्च की और मैंने फोर्टी ईयर्स की एज पे जब मैं थर्टी ईयर्स ट्वेंटी नाइन थर्टी ईयर्स पे, पे पाकिस्तान आया मैंने बिजनेस किया एट इन टेन ईयर्स एटीज़ का दौर था नाइन्टी तक आई हैड मेड माई मार्क इन मनी

और टेलीफोन या पासपोर्ट के लिए बहुत बहुत अप्रोचेस चाहिए होती थी तो भुट्टो साहब जब आए तो उन्होंने पासपोर्ट्स दिए और लेबर चलेगी दुबई और सऊदी अरेबिया तो पैसा आने लग पड़ा पाकिस्तान में वो पैसा रियल इस्टेट में जाने लग पड़ा जो अमेरिकन डॉलर्स आ रहे थे वो भी लोगों के रियल इस्टेट तो में यहाँ से लोग रहे। जा रहे हैं वहाँ कमा रहे हैं रेमिटेंस आ रही है वो वो प्रॉपर्टी में जा रहा है और जो Uh, उस वो टेन ईयर्स जियालह के फिनेशली वॉज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान बिकॉज अमेरिका सपोर्ट कर रहा था वो भी चीज़ प्रॉपर्टी में जा रहा था एंड दैट इज़ वाई आई वेंट इन टू रियल इस्टेट सो सो वैन आई मेड दैट एंड मैंने अपने बाप पे रिसर्च की और सेवन ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड वैन आई फाउंड हिज लेटर्स विद जिना फ्राम आर्काइव तो आई गॉट डिप्रेस्ड बिकॉज आई था जब मैंने ये रिसर्च शुरू की कि मैंने बहुत अचीवमेंट कर ली जब मैंने अपने बाप की अचीवमेंट देखी जिना के साथ इन मेकिंग द कंट्री एंड हाउ ही वॉज सेक्रीफाइजिंग हिमसेल्फर जिना तो आई गॉट डिप्रेस्ड कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था एंड माई फादर डाइड एट द एज ऑफ थर्टी नाइन इन एन एयर क्रैश एंड हिज फादर डाइड वेन ही वॉज सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड और सोलह साल की उम्र में मेरा बाप सर्जिकल के सोलह लोगों की कारखाना था जिसमें उसको काम करता है एंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ईयर्स की एज पे इंडिया की सबसे बड़ी सर्जिकल एंड हॉस्पिटल की इंडस्ट्री लाहौर में लगा था ट्वेंटी नाइन ईयर्स एज पे मेरा बाप रफी पाट सेंट्रल एक्सचेंज बैंक बना था एंड एट द एज ऑफ थर्टी वन ही मिस जिना एंड ही हैज़ इज़ ऑफिस इन न्यूयॉर्क बाई दैट टाइम Wow. And 39, he died in an air crash. So he was amazing. So once I found his achievements, actual achievements, not what my mother used to mm. tell me, but when I saw it on paper and met people at that time who zinda the like Mujib, Mujib, Nazami, and all those people, Shaukat Hayat, uh, Daltana, Mumtaz mm. Daltana, and all that, and when they told me what a great man he was.

मैं आई वॉन्टिड टू एज ए सैड और सबकॉन्शियस माइंड में था आई वॉन्टिड टू बी फाइनेंशली फ्री फाइनेंशियली कम्फर्टेबल कि मैं फ्री हो सकूँ कि अपनी मर्जी कर सकूँ आई वॉज़ वेरी क्लियर तो यहाँ मैंने जब देखा तो मैंने कहा यहाँ तो कोई चांस ही मेरा नहीं है ना पैसा ना सिफारिश है ना एक्सपोजर है, ना है। mm -hmm. तो यहाँ तो चांस ही कोई नहीं बनता सो so, एक मेरा दोस्त था जो लंदन से आया हुआ था छः महीने गुजार के ही वॉन्टेड टू गो टू अमेरिका सो आई एंड ही वेंट टू अमेरिका मैंने अपनी गाड़ी बेची okay. उस वक्त ट्योटा थी मेरी माँ ने मुझे लेकर दी हुई और उसमें से हज़ार डॉलर बचा मेरे पास वो ले कर टिकट लेने के बाद वो जाके मैं न्यूयॉर्क चले गया विथ वन थाउजेंड डॉलर मी एंड माई फ्रेंड एंड डिड नॉट नो वेयर वी आर गोइंग वॉट वी आर गोइंग टू डू देयर नो कॉन्टैक्ट नो फोन नंबर नो बडी तब, तब तो पाकिस्तानी थे भी नहीं yeah. तो हम गए न्यूयॉर्क उतरे वहाँ से समझ में आए जाएगा हमने वाई एम सी ए का कार्ड बनाया हुआ था वो सबसे सस्ता hmm. था एक डॉलर hmm. का था वन नाइट yeah. तो हम वाई एम सी ए मैनहटन चले गए एक डॉलर का रात रहे जब सुबह उठे तो बाथरूम की बारी आई तो उन्होंने कहा वो उधर टॉयलेट्स हैं तो वहाँ पे ना कोई पार्टीशन थी ना कुछ थी डलब्यू सी भी कट्ठे लगे हुए थे शावर भी कट्ठे थे एवरी बॉडी वॉज न एक ड्रीन कार्ड मैं तो यहाँ जा ही नहीं सकता सो दैट वॉज शॉक टू मी एनी वे तो उसके बाद हम वहाँ से निकले तो हमने एक रूम ले लिया कराए पर और वहाँ पर वो होता है कि एक महीने की डिपॉजिट एक महीने का किराया वो करके को तीन सौ डॉलर चले गए और और ये विजिट 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 वीजा 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 था उस टाइम ठीक है कितने बिजनेस ओके दोनों थे और छह महीने का होता है ओके वैसे तो दो साल का था बट छ महीने का मिलता तो हमने अपार्टमेंट ले ली रेंट कमरा ले लिया और तीन सौ डॉलर चले गया पाँच छ सौ डॉलर रह गया और अभी तक कोई प्लान नहीं है कुछ प्लान नहीं कुछ पता नहीं काम तो वहाँ पे कोई मिला पाकिस्तानी उसको पूछा जॉब करनी है उसने कहा यहाँ से न्यू जर्सी के पास चले जाओ वहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ पे कर लो हम गए फैक्ट्रियों पे तो उस फैक्ट्री वाले ने कहा पहले काम किया ये कोई रबड़ की कटिंग थी मैंने कहा नहीं किया उसने कहा बट देन विल कट योर फिंगर्स वो वो मशीन काटती थी रबड़ आपने डालना प्लस वी हैव टू बाय लेबर शूज़ जो बीस डॉलर के आते थे हमने कहा आना तो कम है पैसे से तो पहले जाने सो hmm. so, वो वहाँ से ही वापस आ गए सो देन आई टोल्ड माय फ्रेंड आई सेड विद इन ट्वेंटी थर्टी डेज विल बी फ्लाइंग बैक टू लाहौर पाकिस्तान बिकॉज यहाँ तो होना कुछ नहीं तो एक ही चीज़ है जहाँ हम रह सकते हैं उसे कहा वो क्या मैं कहा रिटर्न टिकट वापस भेज देते हैं घर कि वो कैश कर लें हमारे पास ना टिकट होगी ना वापस जाएंगे तो so yeah. सारी कश्तियाँ जला दें दिल्ली मी सो उसने कहा ठीक कहते हो हम तब तो, तो पोस्ट ऑफिस होता था जहाँ पे जीपीओ में गए टिकटें दोनों डाली मैंने अपने घर भेजी उसने अपने घर भेजी तो इसको रिफंड कर लेना रिटर्न टिकट रिफंड हो जाती हुँ. थी ना जो हुँ. भी पैसे होते थे तो टिकट नहीं थी तो हम वहां से में अब तो करना ही पड़ेगा देन आई ऑप्टेड फॉर रेस्टोरेंट टू वर्क फॉर रेस्टोरेंट और तो, उस फैक्ट्री में भी कुछ काम किया नहीं नहीं कुछ उसने तो डरा दिया ना हाथ उंगलियाँ कट जाएंगी और फिर कहते हैं ट्वेंटी डॉलर के तुम्हारे जूते आएंगे पहले तो वो तो लो अदरवाइज आई पुट यू फूट सो एक हम फिर तो हेल्प वॉन्टेड कहीं लगी हुई थी और और वीटना वॉर जस्ट ओवर हुई थी तब okay. तो अमेरिका की इकॉनमी भी ख़राब थी ये तो वहाँ जाके रिलाईज़ हुआ सो देन आई वांटेड टू वर्क समवेयर जहाँ मुझे एक्सपोजर मिले तो देन दे वाज हेल्प वांटेड इन अ रेस्टोरेंट तो उसने कहा कि आप श, आ, कर लो बट ये आ, उसको कहते हैं बस बॉय जो डिशेस को उठा के टेबल को हुँ. साफ करता है पानी लगाता है और डिशेस लगा प्लेटें लगाता है और टेबल को उठाते साफ करता है असिस्टिंग डी वेटर उसके लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती उसने वो लगा दिया वाइल आई वॉज डूइंग दैट आई ये तो मैंने करना नहीं था आई वॉज वंडरिंग एंड टॉकिंग टू ऑल दी वेटर्स ऑल दी कोलीग्स कि पाक ये अमेरिका में कैसा पैसा बनता है क्या होता है क्या सिस्टम है और तो सिस्टम ही फ़र्क था क्रेडिट कार्ड चल रहा है ये चल रहा है वो चल रहा है हम तो यहाँ से लाहौर तो गांव था उसके ज़माने में सो so, वहाँ पे मैंने और मैं दो जगह से फायर हुआ फ्रॉम एज अ वेटर उन्होंने निकाला फिर थर्ड जगह पर गया उसने भी फायर किया और कहा कि तुम तो काम अच्छा नहीं करते मैं बड़ा परेशान होता था, था कि मैं तो पूरे दिल लगा के काम करता हूँ तो दो महीने बाद फिर उसने निकाल दिया नाउ आरलाइज वाई बिकॉज मेरा तो ध्यान ही उधर नहीं था और जो मेरे साथ बेवकूफ़ सा लड़का काम कर का रहा था वो बच बेटर काम हुँ। करता था बिकॉज उसका सब कुछ ही फोकस फोकसडर आई वॉज नॉट फोकसडर सो कट शॉर्ट कोई नौ दस महीने तीन जगह पर काम किया और काम करके मैं समझ गया कि अमेरिका में क्या हो सकता है एंड आई फिगर्ड आउट कि पाकिस्तान से कापर्स आते हैं पाकिस्तानी कापर्स हैंड ओवन कापर्स आते हैं और लोग यहाँ बेचते हैं और उनसे बिकते नहीं बिकॉज वो आए होते हैं अमेरिका लॉट लेकर hmm. ये सोच के कि कुछ चार आठ कापर्स बेचेंगे और फिर पैसा इंजॉय करेंगे शॉपिंग करके फिर वापस जाएंगे वहाँ बिकते नहीं थे उनसे बिकॉज वो दुकान के पास जाते थे वो बहुत कम प्राइस लगाता था और डिटेल वो कर नहीं सकते थे तो देन दोज पीपल वुड गेट इन टू ट्रबल पाकिस्तानीज तो ऐसा मुझे दो पाकिस्तानी मिल गए जिनके पास कापड़स फंसे हुए थे okay. वो दे स्टाक विद कापड़ एंड देन आई मेड अ डील विद आई सेट कितने का तुमने लिया है उसने कितने का लिया है मैं कह थर्टी परसेंट मैं आपको प्रॉफिट दूंगा चार महीनों के बाद okay. और मैं ये आप ये दे दो मैं इसको बेच दूंगा और वो लाहौर का ही था सो कनेक्शन लाहौर का लगा दिया ही एट फेथ उसने दे दिया कापड़ वो दे दिया तो देन आई स्टार्ट रिटेलिंग द उस कापर्स फ्रॉम माई अपार्टमेंट वहाँ पर क्लासीफाइड एड्स लगती होती थी ठीक थी? है एड लगती थी वो लगा के तो सारा दिन अपार्टमेंट में बैठा रहता था, था टेलीफोन के ऊपर कि फोन आएगा तो उनको मैं डायरेक्शन दूंगा बात करूंगा सो आई टर्न आउट टू बी अ ग्रेट सेल्स मैन एंड आई कुड सेल कापर्स तो छः आठ महीने घर से बेचे देन फिर मैंने एक शॉप खोल ली और दुका और रग्स मैं पाकिस्तानियों से ले रहा होता था जो फंसे होते थे या फिर उसके बाद कुछ साल के बाद पाकिस्तान से भी मैं मंगवाने लग पड़ा ऑन क्रेडिट और फिर मैंने पूरा साल आपने यही किया मैंने चार साल ये किया okay. फिर ऑक्शंस की और मगर ये भी मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं किया था ये मैंने अपनी लाइफ को इन्हांस करने के लिए और एक्सपोजर लेने के लिए किया था बिकॉज पैसा तो चाहिए था but then again i was not very focused onto that even today tala i am i've never been focused on making money only mm. or or expanding my business only that has never been my uh, objective mm. even today my objective of business has been to make enough money that i can be free mm. from this hassle and live a life the way i want to live but when is your business लाइक यू रियलाइज़ किया लाइक दिस इज़ अनफ मनी बिकॉज आज कल के वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में पैसा तो अनफ है ही नहीं वो तो, तो आपकी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी दो घर अच्छा न्यूयॉर्क में भी आ जाए लंडन में भी आ जाए पैरिस में भी आ जाए सो वट इज़ देट सो वो एक कितने बड़ा मेरे से ट्रेजिडी हुई मेरे साथ ट्रेजिडी हुई अमेरिका में रह रहा था <coughs> अभी यूरोप इंग्लैंड में रहे हैं अमेरिका में जब रह रहा था सेवेंटीज़ का एरिया था वहाँ पे बड़ी एक कहावत थी और एक ड्रीम चीज़ थी हर बंदा चाहता था कि इफ़ आई मेक मनी एट फोर्टी आई विल रिटायर यू अभी भी मोर लेस काफी अमेरिका में ये बहुत कहते थे, यार, 40, ये कहते थे। वो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में पड़ गया पाकिस्तान में मैं आया ट्वेंटी नाइन ईयर्स एज पे सेवेंटी नाइन में और एटी uh, नाइन में नाइन्टी में आई हैड मेड ऑल द मनी द बेस्ट हाउस that आई could ड्रीम मैंने लाहौर मॉडल टाउन में बनाया द बेस्ट बिल्डिंग और office आई could do, मैंने लिया द्वारा ली वो पैसा बहुत था एंड आई सेड आई retire, रिटायर आई मगर मेरे प्रोजेक्ट्स तो बंद नहीं हो सकते थे ना, hmm. वो तो चल रहे थे बिल्डिंग्स sure. थी हाउसिंग थी तो मैंने अपने जो स्टाफ था जो अपना जनरल मैनेजर मैनेजर था मैंने कहा तुम संभालो आई एम रिटायर्ड एंड आई जस्ट गाइड यू वो कह के तो मैं उस वक़्त अपनी बाप की रिसर्च में चले गया नाइन्टी hmm. में सेवन ईयर्स आई वेंट इनटू टू रिसर्च और नाइन्टी का पूरे दस साल पाकिस्तान के वर्स्ट बिजनेस था बिकॉज अफग़ानिस्तान से अमेरिका चले गया hmm. और पाकिस्तान पे प्रेसलर अमेंडमेंट एंड hmm. सेंक्शंस लगा दी एंड आई डिन नॉट रियलाइज दिस कि यार ये तो इकॉनमी ख़राब हो रही है आगे बिकॉज आई वॉज सो एज एज एस कॉन्शियस माइंड ने मुझे कहा आई रिटायर्ड ना आज मैं सोचता हूँ यू कैन नॉट रिटायर यू शुड नेवर रिटायर बिजनेस से रिटायर कर लो किसी और चीज़ में चले जाओ ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए hmm. तो वो मैं जब रिटायर हो गया तो रिसर्च में चले गया तो मेरी एक्चुअली टोटल पर्सनैलिटी भी बदल गई फ्रॉम अ बिजनस मैन कहाँ कायद अजम कहाँ रफ़ी पाट कहाँ रिसर्च कहाँ उस वक़्त के जितने ज़िंदा लोग थे जो पाकिस्तान मूवमेंट में थे उनको मैं कराची से लेकर खैबर तक मिलता था उनसे इंटरव्यूस कर रहे थे उनसे तो मैं पूछ रहा था hmm. और फिर एडकाइ सर्विस रजी वास्ती ने हिस्टोरियन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जिसने वो किताब लिखी तो सेवन इयर्स मैं जब उसमें गया तो आई वाज नॉट अ बिजनेसमैन एनी मोर एट ऑल मेरा ही नहीं लगता था वापस आज भी नहीं लगता मतलब मेरा स्टाफ जब मेरा बेटा काम करेगा मैं उसको एडवाइस करूँगा बट मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता तो उससे एक बंदा निकल गया सो so, वो जो थी ना अमेरिका अमेरिकन मिथ इन फोर्टी आई रिटायर अमेरिका में तो वो हो सकता है बिकॉज आप रनिंग बिजनेस को बेच देते हैं या तो आप नहीं बेच सकते को, बिकता ही नहीं है तो अच्छा थोड़ा सा मुझे बताएं सो सो यू मूव बैक वेयर डिड द आइडिया ऑफ कहाँ से आया आपके पास द रियल स्टेट बिकॉज आज कल ये है आज से मतलब प्रॉबली तीस साल बाद रियल स्टेट हर लिटरली आई थिंक यूनिवर्सिटी का बच्चा भी निकलता है तो वो कहता है यार सब कुछ छोड़ो मैं वहाँ चाहूँ ईजी मनी है बट एट दैट टाइम तो आई थिंक ना वो फैंसी था ना इको सिस्टम बिल्ड था और सब वो वाला आइडिया कहाँ से आया और पहले आपके जो कुछ साल थे वो किस तरह के थे ज़रा सिंस आई सेट कि आई वॉज एन ऑफिन है नो गाइडेंस और गाइड भी करते थे घर वाले जो जिनको पता ही नहीं था हमने गाइड क्या करना सो एंड आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इसके लिए मैं कॉन्सनट्रेट बहुत करता था और एक चीज़ आज भी मेरे पास ले आओ ना उसको मैं हज़ार चीज़ों में बाइसेकट कर दूँगा बड़ी जल्दी तो जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मैंटली आई वॉज़ वेरी शार्प और मुझे अमेरिका में मैंने डेवलपमेंट देखी हुई थी ये बिल्डिंग्स की और हाउसिंग की और सारा कुछ देखा था एंड इंटरेस्टेड मी जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने बहुत क्लियरली डाइजेस्ट कर लिया कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट ही चलेगी बिकॉज okay. पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इसका पता ही कोई नहीं है कब चलनी कब नहीं चलनी आप आज इंडस्ट्री लगाते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं बाई टाइम वो इंडस्ट्री लगती है पॉलिसी बदल गई होती है आप हवा में हो जाते हैं सो आई न्यू रियल इस्टेट इज ओनली थिंग दैट्स द रीज़न आई बहुत इंडस्ट्रियस भी रियल इस्टेट में आ गए hmm. अब जाके hmm. उन्होंने रियलाइज़ किया मैंने फोर्टी फाइव पहले रियलाइज कर लिया था कि पाकिस्तान कि गवर्नमेंट्स ऑफ दी डे वो बिजनेस को या मैन्युफैक्चरिंग को तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो तो अपना उस वक्त का दिन गुजार रहे हैं और उसमें बिजनेस में लोगों के पैसे फंस जाते हैं वो चलते नहीं तो रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है जो जिसमें इसकी एक ब्यूटी है कि अगर खड़ी भी हो जाए ख़राब भी हो जाए तो इट वर्क्स फॉर यू इट डज़ नॉट वर्क अगेंस्ट यू बिकॉज इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग्स उसको एड ऑन कर देती है फिर हर एक की ज़रूरत है घर और ज़मीन होगी तो घर होगा वो बेसिक रिक्वायरमेंट है और फिर पाकिस्तान में हर एक का सिक्योरिटी भी है इन इन अपार्टमेंट और इन इन प्लॉट और इन हाउस। तो अब चाइना जो है चाइना में हर बंदे का दो दो अपार्टमेंट्स हैं उनकी भी चाइनीज ने जो प्रोग्रेस किया तीस चालीस साल में उनका भी सारा कुछ सबका शादी भी होती है उसने चार पार्टनर्स लियो इसके लिए चाइना में अब जो आ, आ, रिसेशन आया है, तो उसमें रियल एस्टेट वहां भी बड़ी खराब हुई बट मुझे थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली बताएं लाइक फॉर द यंगस्टर्स सो जब आप वापस आए हाउ मच मनी डिड यू हैव नथिंग सो फिर शुरू कैसे नथिंग बिकॉज बट आपने वहां बनाए भी तो थे आई ब्रॉट नथिंग बैक by nothing i mean few hundred dollars mm. because uh, don't forget i was having an exposure there i wanted to live and see things there mm. so i was making good money but i was also that, going so? to las vegas i was also traveling to hawaii I was, I was having fun to me money is not important fun is more important mm. um, uh, excitement is more important इन लाइफ टाइम का वेगस कैसा था वे? ओ जबरदस्त पर चेंज नहीं हुआ okay. खाली खाली होटल्स और बने हैं और वहाँ पर सीजर्स पैलेस जब मैं सेवेंटी फाइव में गया था तब भी बीस साल पहले का बना हुआ था आज भी वो वैसे ही है होटल्स और एड हुए हैं वो वैसे ही है पैरिस बन गया इफल टावर बन yeah. गया वीनस बन गया वहाँ पर वो बन गए बट uh, अब लास वेगस इज अ वेरी इंटरेस्ट आई डोंट गैम्बल आई डोंट लाइक गैम्बलिंग आई डोंट इन्जॉय इट बट आई टू गो टू लास्ट वेगस बिकॉज होटल्स इतने खूबसूरत mm. दुनिया में ऐसे होटल्स नहीं हैं खाना बहुत सस्ता रहना बहुत सस्ता द मनी दे मेक इज़ फ्रॉम गैमलिंग अच्छा गैमलिंग में मुझे अच्छी नहीं लगती आई डोंट डो इट दोस्त जो जाते हैं वो कर लेते mm. हैं बट आई डोंट बट लास्ट वेगस इज इंटरेस्टिंग सो मैं एक्सपोजर लेना चाहता था बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्जॉय लाइफ वो सबकॉन्शियस माइंड था ना कि बचपन ख़राब हुआ हुआ था मतलब बचपन में तो माँ रोकती रही हर चीज़ से बिकॉज सिंस माई फादर डाइड इन एयर क्रैश तो ही वैनिश इन थिन एयर सो माई मदर नेवर लेट मी टेक अ फ्लाइट टू एनी प्लेस मैंने पहली फ्लाइट जो ली अमेरिका की ली और बड़ी मुश्किल से शी वुड थिंक के जहाज क्रैश हो जाएगा hmm. मैं अगर घर में घंटा लेट आता था वो सड़क पर बैठी होती थी कि मे बी समिंग हैपन्स टू हेम बिकॉज आफ्टर माई फादर्स डेथ मेरे चाचों की और मेरी वालदा के लिटिगेशन हुई जब लिटिगेशन हुई तो माई मदर वॉज टू वर टू स्केड अबाउट दी चाचा कि एक ही बेटा mm -hmm. इसको पॉइजन ना करा दें mm -hmm. वैसे उसको डर था mm -hmm. वो ही मेरे पे इफेक्ट आया सो शी डि नॉट लेट मी बी एडवेंचरस एज किड आठ दस साल का जो होता है उसके लिए जब मेरी जो फ्रीडम मिली तो आई बिकेम एडवेंचरस आई एम वेरी एडवेंचरस टूडे एंड आई एम फेयरलेस बिकॉज फेयर इज़ नॉट इन मी एट ऑल सो जब आप फिर पाकिस्तान आए तो वहाँ से फिर जीरो से कैसे शुरू किया बिकॉज इन रियल एक हमारे एह, मेरी वालदा का एक प्लॉट मेरी वालद मेरे वालद ने वालदा को प्लॉट लेकर दिया, दिया हुआ था एज अ गिफ्ट लाहौर में हॉल रोड पे हॉल रोड बिकेम अ वेरी गुड मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स की उस छत्तीस किराएदार थे थर्टी सिक्स टेनेंट थे टेंट को तब निकाल नहीं आ सकते थे उस जमाने में आप हैरान होंगे कि अगर आपने केस किया ना किसी के ऊपर साल में दो डेटें पड़ती थी अब तो महीने में एक पड़ती है सिविल कोर्ट में सिविल कोर्ट में महीने में साल में दो साल में दो डेटें पड़ती छह महीने के बाद एक डेट होती थी जस्ट तो रेगुलर डेट अ नॉर्मल दैट वाज नॉर्मल चार पांच तो सेशन जज होते थे अच्छा तो डेट वो केस खत्म ही नहीं होता था अब तो फिर बड़ी स्पीड अप है तब तो स्पीडअप था ही नहीं यू माइट बी सरप्राइज आई एम डाइवर्सिंग दस साल लगते थे अगर आप टेलीफोन की एप्लीकेशन दी है कि मैंने अपने घर में टेलीफोन लगाना आई एम टॉकिंग अबाउट सेवेंटीज दस साल की वेट होती थी टू गेट अ लाइन टेन ईयर्स वेट ये पाकिस्तानी शहरों का लाहौर का ये हाल था टेन ईयर्स वेट तो वो किराएदार थे छत्तीस और मेरी मदर ने केसेस किए हुए थे जब मैं अमेरिका था तब से किए हुए थे आठ दस पाँच सात साल गुजर गए हुए थे केसेस पे वो के वहीं खड़े थे तो आई मेट हर लॉयर एंड आई टोल्ड हिम आस्टिंग वॉट इज दिस उसने कहा ये तो मुकड़े ही नहीं कभी बेगम साहब ने लगी हुई है उसने सीधा सीधा जवाब दिया तो मुकड़े नहीं कधी डेट पे आ जाती छः महीने <laughs> बाद फिर तो देन आए मेरे कोई दो चार दोस्त बन गए हुए थे लाहौर में जो इन्फ्लुन्शल थे एक सरदार शौकत याद का बेटा था मेरा बहुत अच्छा दोस्त था मैंने उनसे बात की और मैंने ये जो छत्तीस किराएदार थे इनके साथ नगोशिएट किया प्रेशराइज भी किया और फिर ले दे के करके ना कि मैंने इनसे ये डिसाइड किया कि तुम जगह छोड़ दो जितनी तुम्हारे पास जगह है इतनी मैं आपको जगह दे दूंगा नई बिल्डिंग में बट लेट मी ये तो ग्राउंड फ्लोर ही था ना खाली लेट मी बिल्ड अ टॉल बिल्डिंग और ग्राउंड फ्लोर में तुम्हें इतनी जगह दे दूंगा बेसमेंट और अपले उपले फ्लोर्स में बेच लूंगा एंड दैस वेयर वी नगोशिएटेड एंड आई गॉट दैम वोकेटेड और आई मेड मनी फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट एंड और फिर उस वक्त तला इतनी एटीज में इतनी स्पीड थी पैसे की यू कैन नॉट इमेजन इट वॉज अ बूमिंग बिजनेस उसको बनाने के लिए पैसे आपने कहा वो ना? तो उनसे किराएदारों से ले अच्छा, लिया जगह खाली करा दी के पे दूंगा और फिर उनसे ही एडवांस ले लिया और फिर जो बेचना था वो भी ले लिया और उससे बनती गई एंड देन आई एनी खुद मुझे अमेरिका में बहुत ज्यादा और आई न्यू व्हाट आई वॉज डॉइंग मनी इज साइंस? पक्का ना ना पढ़ाई इसके बारे अगर आप पढ़ें तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दे देंगे वो ना बंदे को समझ आती है ना कोई बात इट्स द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी एंड मनी इज अ सब्जेक्ट बाई इट सेल्फ नो स्कूल टीचर्स बट मेकिंग मनी जो चिनेटी शेख हैं दे नो हाउ टू मेक मनी hmm. और मेकिंग मनी इज़ एन आर्ट गुजरते आप देख सकते हैं इस चीज़ में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा अगर आपकी वो नजर है तो uh, जिस तरह पॉलिटिक्स है इस एन आर्ट डज नाट मीन कि आपने पढ़ लिया तो आपको सियासत समझ आ गई है ने पढ़ाई प्रॉपर की आ, भी है. उसकी अपनी थ्योरी है अपनी साइंस है इस अपनी चीज़ है इस पैसा मनी मेकिंग एक अपनी चीज़ है mm. और इम्पॉर्टेंट uh, है important है सो आफ्टर यू मेड लाइक अ लॉट ऑफ मनी यू नो स्पेशली पहले दस साल फिर यू वन टू पूरी रिसर्च वाले उसमें और फिर उसके बाद भी माशा लाइक इट्स बीन यू नो ऑलमोस्ट वो एक जुबली जो है वो, वो उसके करीब है हाउ डिड योर सोर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद मनी लाइक चेंजेस ओवर द टाइम लाइक इन द स्टार्ट वॉज इट यू नो वो ठीक है एक एक कम्फर्टेबल तो आपको विद इन पहले डेकेड में ही आ गया सो हाउ डिट दैट लाइक यू नो मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी एक ही राय हुई ना मैं किसी के कंपटीशन के साथ हूँ ना मैं अपने आप को रिकगनाइज कराना चाहता हूँ कि इतना पैसा है इतना नहीं है मेरा मनी का यही है कि जो रिक्वायरमेंट जितनी है या जितनी हो सकती है लेविश वो होना चाहिए मैं अपने बेटों को भी यही कहता हूँ अपनी औलाद को भी यही कहता हूँ कि इट इज़ नॉट समथिंग जिसके पीछे आप जान दे दें या अपने आप को परेशान कर लें हुँ. आपके पास बिलियन रुपी भी हो और दो पर्चे आपके खिलाफ थाने में हों तो यू नॉट गोइंग टू स्लीप वेल सो जितनी इम्पोर्टेंस लोग पैसे को देते हैं मैं नहीं देता मैं पैसे को मीन समझता हूँ द अल्टीमेट नॉट द अल्टीमेट अनफॉर्चुनेटली पीपल थिंक मनी इज अल्टीमेट एंड कीप गोइंग डूइंग इनटू दैट और एंड में उसके टोए में फंस जाते हैं mm. और इलीगैलिटीज़ में चले जाते हैं बाकी चीज़ों में चले जाते हैं और अब जो लोग रियल इस्टेट में बहुत सारे आ गए आई वॉन्ट टू टेल दम वन कि वो जब आए हैं जब आते हैं तो तब मार्केट अच्छी होती है तो दे थिंक कि अब ये है तो इस तरह ही रहेगा पाकिस्तान के बारे आप कोई प्रोडिक्शन नहीं दे सकते ना पॉलिटिकल ना इकोनॉमिक ये तो आप प्रोडिक्ट कर ही नहीं सकते बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर कि बंदा प्रोडिक्ट नहीं कर सकता अब जो रियल इस्टेट में आए हैं पिछले चार पाँच साल में या आठ साल में उनमें से काफ़ी लोग बर्न होंगे बिकॉज मार्केट्स हैव बिकम वेरी बैड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स और इसको ठीक होते वक्त लगेगा बट हाउ कम लाइक थोड़ा सा ज़रा आपने तो रियल स्टेट की अगर हम बात करें आपने तो उस टाइम से एक ऑर्गेनिक ग्रोथ की ना कि आपने एक एक विजन के तौर पर उसको देखा नॉट जस्ट के यार यहाँ प्लॉट खाली है कब्जा कर लो बाद में देखा जाएगा उसमें पर, तो कभी कही कहीं you ना know, तो लेकिन जो अभी जो कुछ हो रहा है स्पेशली फ्राम द लास्ट वन एंड हाफ टू टैकेट्स ये अचानक चीज़ें कहाँ से आई हैं मतलब अचानक आप एयरपोर्ट से निकलें या आप यहाँ से एयरपोर्ट जाएँ आपको हर कोने के ऊपर कि जी यहाँ भी कोई चीज़ बन गई है वहाँ भी बन गई है लिटरली हर महीने मेरे ख्याल से नई स्कीम्स uh, आ रही हैं नई नई जगह आ रही हैं और इन दी एंड वन यू गो डीपर इन टू दैट किसी के पास लाइसेंस नहीं है एक आधा कोई इनिशियल लाइसेंस होगा बट आई हर्ट के पता नहीं आठ से दस लाइसेंस प्रॉपर होते हैं उसके बाद लाइक यू आर अलाउड टू बट वो नैरेटिव ये कि यार बस शुरू करें बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे देखी जाएगी हाँ तो वो ये ये कहाँ से इकोसिस्टम ये कहाँ से इतना इवेंचुअली बिल्ड हो गया इज इट लाइक अ ब्लैक मनी इज लाइक वट इज इट नहीं मेरा ख्याल है ये हुआ है एक तो मैं लाहौर में होता हूँ लाहौर में नाइन्टी परसेंट बोर्ड हाउसिंग के लगे होते हैं चो नाइन्टी परसेंट वो ये है कि मेरा ख्याल है कि लोग मैन्युफैक्चरिंग या लॉन्ग टर्म बिजनेस से हट गए डिस्करेज हो गए hmm. तो उन्होंने सोचा कि आया जी रियल एस्टेट है Easy तो रियल एस्टेट दो साल पहले या चार साल पहले चल रही थी hmm. उसमें चले जाओ उसमें चले गए और रियल एस्टेट ठीक कर, कर रही थी टिल चेंज आया और hmm. उसके बाद आजकल पॉलिटिकली अनसर्टेंटी uh, है तो चीजें खड़ी हैं और सारा कुछ ही खड़ा तो ये जो बेचारे आ गए हैं ना uh, दे हैव नो आइडिया वट दे आर डूंग एंड वेयर दे आर गोइंग और जो आ, आपकी अथॉरिटीज़ है ना रेगूलेटर्स वो वहाँ भी माशा वो कहते हैं आप कर लो देखी जाएगी हो जाएगा hmm. Hmm. तो फिर नैब आ जाती है देखने और फिर प्रॉब्लम भी होते हैं तो इनरेगुलर तरीके से चीज़ें हो रही हैं बट डू यू फील लाइक कि आगे जाके इसका कोई को, मतलब कुछ निकलेगा कि देर आर लाइक प्रॉपर कोई रेगुलेशन लाइक रेगुलेशन तो हैं अभी भी, भी हैं बट है। वो इम्प्लीमेंट नहीं उस तरह काफ़ी इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं रेगुलेशन्स भी हैं बट हमारा मजाज कोई ऐसा है कि हम समझते हैं अगर मैं मेरा कोई बैठा हुआ है तो मैं कर लूँगा वो बैठा हुआ बदल जाता है तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है मगर आई थिंक अब इलेक्शन अनाउंस कह दिया इन्होंने फेबररी में आई होप कि हो जाएंगे और फेयर होंगे ये जो स्लम्प था पिछले दो साल का ये ख़त्म होना चाहिए और होगा और रियल इस्टेट की प्राइस जो हैं वो कुछ थर्टी ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट नीचे आई हुई जिस तरह ये स्लम्प खत्म होता है तो इसने ऊपर जाना है और फिर हर चीज़ की वैल्यू जो है इन्हांस हो चुकी है इन्फ्लेशन है सारा कुछ है तो आई थिंक रियल स्टेट में ये टाइम है टू टू बाय इस बायर्स टाइम नॉट सेलर्स टाइम और जब से आपने इसमें आए हैं आप ज़्यादा लाहौर तो हब है पॉलिटिक्स का पाकिस्तानी व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ आपको उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा देखने में आई मतलब अभी भी जब आने वॉज रिसर्चिंग नॉर्मली तो लाइक आई विल नॉट नेम बट किसी भी रियल स्टेट को डालें तो वो केस जो है वो सबसे पहले स्टोरी आती है कि जी ये इशू है बट वी हैवेंट सीन उस तरह इस्पेशली uh, जो आपका पूरा ग्रुप है सो हाउ डिड यू वो यू नो बड़े तरीके के साथ आप कैसे उस पूरी गेम से निकलें तरीक़े से नहीं क्लियरली देख के मतलब कहने का एक तो मेरा पैंतालीस साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में सो आई नो देखी जाएगी नहीं मैं कहना आज देख लूँ लेट hmm. मी सी टूडे दूसरी चीज़ है तला लालच नहीं है मेरे अंदर एंड एज ए सैड मैं बिजनेस भी करता हूँ फॉर फॉर हैप्पीनेस एंड टू बी हैप्पी इन लाइफ तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरी औलाद के पे hmm. चार पर्चे हुए हों या प्रॉब्लम्स आई हों उस कर उसको करने hmm. की ज़रूरत क्या है so, सो पहले ज़माने में रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग थी बड़ी बड़ी टाइट होती थी अब काफ़ी रेगुलराइज हो गया वह चीज़ें और अगर आप ज़रा पेशेंस करें और इसको देखें एज अ बिजनेस तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और इसमें एक और प्रॉब्लम है ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना हाउसिंग के ये पंद्रह बीस साल के होते हैं ये इससे पहले तो ख़त्म ही नहीं होते हुँ। हुँ। एक और इसमें प्रॉब्लम है जब शुरू करते हैं तो तीन चार पार्टनर्स इकट्ठे हो जाते हैं मैं आप ये इकट्ठे हो गए पाँच छः साल में झगड़े शुरू हो गए आपस में शुरू हो गए और प्रोजेक्ट बीच में रह गया आपस में झगड़े शुरू हो गए उसमें क्लाइंट के पैसे भी आए हुए हैं hmm. क्लाइंट के पैसे एक दो तो केसेस हैं ऐसे लाहौर में क्लाइंट के पैसे भी बिलियंस आए हुए हैं आपस में भी झगड़े हुए हैं और अब नैब लेगी ये सबको और वो प्रोजेक्ट जो वायबल प्रोजेक्ट था वो अनवाइबल हो गया अच्छा बिकॉज पार्टनरशिप अन नैचुरल पार्टनरशिप थी उसको जरूरत थी hmm. एक दूसरे की वो इकट्ठे हो गए उसके बाद जब थोड़ा सा पैसा आया तो एक इधर को चल पड़ा एक उधर को चल पड़ा So, ये चीज़ में मैं हमेशा अपने हमेशा जब भी मौका मिले किसी को कहने को तो मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि आप फाइल्स लें इन्वेस्टमेंट करें बट डू इट विद अ रिप्यूटेड कंपनी हु हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड यू कैन नॉट गो रॉन्ग बिकॉज योर योर प्रिंसिपल अमाउंट इज सेफ अब उसकी अप्रिसशन कितनी होनी या कितनी कम होती है वो मार्केट फोर्सेज हैं जो डेफिनेटली पाकिस्तान में ऊपर जाती प्राइसेस और अच्छी होती है बट आपका बेसिक पैसा सेफ हो इसके लिए आ, डोंट डोंट चीप आउट इन गोइंग टू तो अ चीपर प्लेस और जहाँ झूठ पे ना चले जाए बट आपको भी आई एम श्योर sure, मुश्किल तो काफ़ी आई होंगी लाइक कैन यू शेयर लाइक वो इंसिडेंट की वजह लाइक like, यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ इससे बेहतर था मैं बाहर ही सही था मतलब एनी बिजनेस इन पाकिस्तान यू नो नथिंग इज इजी उस उस तरह तरह बिकॉज रेगुलेशन सिक्योरिटी मेरी प्रॉब्लम बन गई मेरी प्रॉब्लम बन गई रिसर्च ऑफ माय फादर ये ना होता तो मैं पता नहीं कब से पाकिस्तान छोड़ के चले गया होता आफ्टर रिसर्चिंग ऑन माई फादर रिसर्चिंग ऑन कायद आजम मोहम्मद अली जिना एंड फ्राम देअर सी पाकिस्तान बना कैसे था तो मेरे वो चीज़ बदल गई एक बहुत बड़ा राइटर था इम्तियाज़ सिपरा नाम था उसका तो उसने मेरी जब रिसर्च किताब आई तो उसने एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा हेडलाइन था सन सेव्स द फादर डैश फादर सेव्स द सन उसने ये लिखा कि बेटे ने बाप को डस्ट ऑफ हिस्ट्री से निकाल के कौम को दे दिया अब जब बेटा उस स्टेज पे पहुंचा जहां वो ख़राब हो सकता था अब बाप ने उसको ख़राब नहीं होने दिया लेगे सी ले गया तो मेरी ये प्रॉब्लम मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है मेरे पास एक डॉलर बाहर नहीं है एक अपार्टमेंट बाहर नहीं है मैं हार्डली पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ पाँच पाँच साल चार चार साल के बाद मैं लंदन जाऊँ मैं दुबई गए हुए दस साल हो गए आई मीन वो जो ब्रेन वॉश होगी ना और जिस तरह पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं बहुत दुख होता बहुत दुख होता सो दैट इज़ वन थिंगट डिफिकल्ट टाइम बताता हूँ आपको बल्ह एक्सपीरियंस है मेरा पचहत्तर साल मेरी उम्र है एक्सपीरियंस है जितनी चीज़ें आज आपको बुरी लगती हैं ना खौफनाक लग रही हैं जब वक्त आएगा वो इतनी खौफनाक नहीं होगी वजह आज आप पास से आप सबक सीख सकते हैं प्रेजेंट में आप रहते हैं मैं प्रेजेंट में रहता हूँ फ्यूचर आप फोर्स ही नहीं कर सकते आप फोर्स ही कोशिश कर सकते हैं बट हंड्रेड परसेंट नहीं कर सकते आज मैं और आप पाकिस्तान के बारे फ्यूचर कागज़ पैसे ले कर डिसाइड करें ना आज के फैक्टर्स ले कर देखेंगे तो हम कहेंगे पाकिस्तान छः महीने नहीं गुजारेगा साल नहीं गुजारेगा मगर एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसी आ जाएंगी कि वो चीज़ जो हम सोच रहे हैं वो नहीं ठीक होगा मीन्स चाइना को आपकी जरूरत पड़ जाए ज्यादा इन दी टसल बिटवीन अमेरिका एंड चाइना आपको खड़ा कर देगा अमेरिका आपको खेंच रहा अपनी तरफ फ्रॉम चाइना तो पैसे दे के ही खींचेगा आज डेड लॉग में है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मैं जिस दोस्त को मिलता हूँ बहुत डिसअपॉइंटेड है बहुत डिमोरलाइज्ड है और आप भी अवेयर हैं इस चीज़ के दे फील देर इज नो होप आई विल से यस, आई कांट स्पेसिफाई क्या होप होगी मैं क्लियर बात कर रहा हूँ आपको आज ही कह रहा हूँ कि आज के साल बाद ऐसे फैक्टर बाहर से आए होंगे कि पाकिस्तान फिट चीज़ पाकिस्तान क्या वैसी जो फोर्स फोरकास्ट कर रहा था है वो बदल जाता है hmm. और जितनी चीज़ अच्छी बंदा समझ रहा होता है ताज़ा ज़िंदगी वो भी इतनी अच्छी नहीं होती वो भी फिर एंड में ख़राब होती है सो so, पाकिस्तान तो इसको फंसा हुआ है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना ओल्ड वॉर एंड कंटेनिंग ऑफ चाइना उसमें फंसा हुआ है मगर मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ भी होगा पाकिस्तान को पैसे भी मिलेंगे hmm. चीज़ें भी मिलेंगी ठीक भी होगा हमें एक चीज़ चाहिए फेयर इलेक्शन hmm. और जो आता है उसको आने दें और चीज़ें आप ही हल हो जाएंगी थोड़ा सा गवादर के बारे में बताएंगे बिकॉज आई थिंक वहाँ भी आप लोगों ने काफ़ी काम किया है वो कहाँ से आइडिया आया बिकॉज़ आई थिंक आप लोग मेरे ख्याल से यू वर प्रॉब्ली द फर्स्ट उस तरह ग्रुप जिसने वहाँ इन्वेस्ट किया और मैं आपसे पहले जब बात रहा था यू सेट उस टाइम को दस पंद्रह हज़ार के नाल था गवादर में तो वो इतना ऑफ लॉन्ग टर्म विजन और आई एम श्योर आपको लोगों ने कहा होगा कि यार ये क्या पैसे ज़ाया कर रहे हैं लाइक वोट आर यू थिंकिंग सो वो सारा प्रोसेस क्या था तेल जी टू थाउजेंड फोर में मैं ग्वादर गया था टू बाय लैंड एंड वन आई वेंट दिया टू बाय लैंड ग्वादरी भी कहते थे तुम लाहौर से आ गए हो क्या करना है हुँ। और यहाँ वाले भी कह रहे थे तुम पागल तो नहीं हो गए हो गए वहाँ ग्वादर में लेना चाहते हो तो मेरी पोलिटिकल असमेंट ये थी कि चाइना के कुछ चौदह या पंद्रह बॉर्डर्स हैं चौदह पंद्रह मुल्कों के साथ और चाइना के सवाए नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान बाकी सब के साथ बॉर्डर के झगड़े हैं इंडिया के साथ है जापान के साथ है फिलपी के साथ है वियतनाम तो वियतनाम के साथ है लॉयस के साथ सबसे झगड़े हैं और जिनके साथ झगड़े हैं वो अमेरिकन सेटेलाइट्स हैं तो साउथ चाइना सी से उसका सारा सामान आता है और जाता है और साउथ चाइना सी में बड़ी अच्छी बड़े टेक्निकल तरीके से वो लैंड लॉक हो जाता है चाइना सो आई वॉज़ श्योर कि जब चाइना राइज कर जाएगा और चाइना को अमेरिका चैलेंज करेगा तो उसको साउथ चाइना सी पे रोकेगा hmm. तो चाइना को उसके लिए ऑल्टरनेटिव रूट चाहिए होगा टू इंडियन ओशन जहाँ से गल्फ का ऑयल भी आएगा hmm. और उसका सामान भी जाएगा और हमारा बॉर्डर लगता है तो दैट इज़ दी कॉन्सेप्ट आई हैड उसके बाद फिर मैंने जाके वहाँ पे बड़ी सस्ती जमीन मिल रही थी मैंने वहाँ के जो सबसे बड़ा लैंड ओनर था उसको मिला उससे मैंने कोई बीस पच्चीस तीस हजार कनाल जमीन खरीद उसका क्या रिएक्शन था उसे कहा जी आप लाहौर से आगे क्या करने आ गए आप मैंने कहा जी मैं यहाँ पे जमीन लेने ले ले आ गया हूँ क्योंकि ग्वादर तो कोई शहर बनेगा तो कहते जी हम तो सुन रहे हैं बनेगा पर पता नहीं कब बनेगा मैं कहा जी चाइना राइज कर जाएगा तो बन जाएगा उसको तो ये समझ नहीं उसको समझ भी बात नहीं आई तो मैंने कहा जी बस जगह मुझे दे दें और इस पर रफड़ कोई ना हो तो उन्होंने कहा जी हमारी इतनी जगह आप जितनी मर्जी ले लें तो मैंने ले ली तो फिर जब ग्वादर सी पैक अनाउंस हुआ 2015 या 14 में तो हम हमने फिर प्रोजेक्ट अनाउंस किया जो आज हमारा ग्रीन पाम ग्वादर चल रहा है एंड इट वाज इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और बहुत कंस्ट्रक्शन भी होगी बहुत सेल भी होगी और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन जरा भी सेटल कर गई तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर माय क्लाइंट्स जिन्होंने ख़रीदा तो दे विल बी डूइंग वेरी वेल देयर बिकॉज चाइना की ज़रूरत है hmm. और मैं ये समझता हूँ कि इस टसल में बिटवीन अमेरिका एंड चाइना जो अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया हैं दो बॉर्डर्स जिनसे चाइना का तल्लक है और हम चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए चाइना इम्पोर्टेंट है सो so, ये है सिचुएशन बट इस वक्त इस वक्त जब इंडिया मोदी गया वाशिंगटन और इसको रेड कार्पेट मिला और सारा कुछ किया तो इंडिया के साथ अमेरिका ने स्ट्रेटिक पार्टनरशिप कर ली अब हमारी जगह कोई नहीं रहेगी वहाँ पे मगर इस वक्त बिकॉज चाइना को वो कंटेन करना चाहते हैं तो अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उन उनके उनके करीब आ जाए तो अब अमेरिका भी पाकिस्तान को चाहता है कि चाइना की तरफ इतना जाए हमारी बात सुने और चाइना तो कमिटेड है आपके साथ तो ये तसल है जिसकी तसल में हम स्ट्रेटिकली फंसे हुए और इसी लिए हमारी ये जो डिप्रेशन भी है आज आ, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की इसकी मेन वजह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आप लोग काम तो करें आई एम श्योर आपकी चाइनीज से बात भी हुई होगी हाँ। वो लोग इस पूरे प्रोसेस को या सन् को कैसे देखते हैं और उसमें भी ये कि जो गवर्नमेंट्स आई हैं ज़रा दो हज़ार पंद्रह से रफली सात आठ साल आपके ख्याल से कौन सा ऐसा टाइम था जिसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है और अब तो मेरे ख्याल से पिछले दो साल से तो चाइनीज़ वैसे ही वो दे देर ऑल्सो कन्फ्यूज कह रही है काम भी बहुत कम होगा अभी दे आर ओवरऑल दे आर कन्फ्यूज बट बट ग्वादर में काम करते रहे हैं चाइनीज वहाँ पे काम करते रहे हैं। जो उनके टास्क मिले हुए थे उन्होंने कर लिए हैं काफ़ी कंप्लीट कर लिए हैं अभी आर वेटिंग कि आपके इलेक्शन आए तो आपकी कोई सिक्योर आप कुछ सिक्योर फील करें या स्टेबल हों तो वो दोबारा शुरू करें और अभी आज से आठ या दस दिन पहले चाइना ने बीजिंग में आ, सी पैक का आ, सी पैक नहीं वन बेल्ट वन रोड के 140 मुल्कों को इनवाइट किया जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर भी किया और चाइना ने वन बेल्ट वन रोड में अपना सी पैक में एम एल वन जो ट्रेन है फ्रॉम ग्वादर कराची टू तो चाइनीज़ बॉर्डर वो पौने सात बिलियन डॉलर की साइन ऑफ कर दिया और जून में चाइना ने टारगेट दिया हुआ है कि काम शुरू हो जाए आज से जून तक आपकी डिजाइनिंग और आपके जो आपने ऑर्डर्स देने हैं और आ, टेंडर्स देने हैं वो है छः सात महीने उसके बाद काम शुरू हो जाएगा और और ये ये कितना so, बड़ा मतलब वाला प्रोजेक्ट बिलियन डॉलर का okay. आ, और इसका आ, जून में स्टार्ट हो रहा है हर okay. दो साल हो गए okay. दो साल होंगे yeah. तो पाकिस्तान की तो एक्चुअली चाइना जो होना चाहिए और बाकी आज के दौर में आई एम श्योर आपके बच्चे भी हैं आगे भी यू नो स्पेशली आप जेन जी को अगर देखें 18, 22, 25 साल या उससे भी कम आप जिस ज़माने में थे ज़रा आपने बड़ी मुश्किलें देखी पर्सनली भी बट वो एक डिटर्मिनेशन थी कि यार लाइक आई वॉन्ट टू चेंज आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू लीव पाकिस्तान आज जब आप बच्चों से बात करते हैं तो हाउ डू यू सिर्फ कम्पेयर योर सेल्फ बिकॉज आज तो बहुत कन्फ्यूजन भी है ये नहीं कि सिर्फ मुश्किल हैं वो जब कन्फ्यूज़ भी आप साथ हो जाएँ तो वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है कि आपको पता ही नहीं है कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ मैं नहीं हूँ मतलब मैं हूँ कौन क्योंकि हम लोगों ने वो एक आइडेंटिटी भी मेरे ख्याल से नहीं शायद एज अ कॉम अपने अंदर आई वो नाइन्टीज़ टू तक बच्चों में आई बिकॉज कि थोड़ी किताबें थी हिस्ट्री थी अब तो इंटरनेट की वजह से बिल्कुल ही ना वेस्टरनाइज हैं ना आप मतलब पता नहीं आप क्या आए हैं नो तो हाउ डू यू सी दैट कॉम्बिनेशन और हाउ डिफिकल्ट कुछ दो तीन साल पहले काफ़ी होप थी पाकिस्तान mm. में काफ़ी होप थी तो तब कोई कहता था मैं बाहर जा रहा हूँ तो आई वुड टेल हिम कि यहाँ पे बहुत चीजें करने mm. को कर लो आज आई डोंट स्टॉप हिम आई से ठीक है चले जाओ मे बी इट्स बेटर बट पाकिस्तान इज इन ट्रबल इज इन बैड सिचुएशन बट एज सेड कि हम ये जो बात कर रहे हैं कि इज़ इन ट्रबल बैड शेप तो हम तो आगे टाइम की बात कर रहे हैं ना आज के जो फैक्टर्स हैं उसको लेकर कर रहे हैं जो फैक्टर्स आगे से आने हैं उसको तो हम नहीं हुँ. कर सकते सो so, मेरी विशुल uh, थिंकिंग भी है मेरी कमिटमेंट भी है ये भी कह लो हैड आई नॉट बीन सन ऑफ रफी बट एंड ग्रू वॉट गॉन थ्रू शायद मैं ये बात ना कर रहा होता बट मैंने लाइफ में ये देखा कि जब मैंने चीज़ देखी कि बहुत अच्छी है तो वो इतनी अच्छी भी नहीं हुई जब वो टाइम आया और जब मैं सोचा बहुत बुरा हो गया उतना बुरा भी नहीं हुआ जब वो टाइम आया क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं कि बंदे को उस वक्त तो देखे नहीं होते ना एक्सटर्नल फैक्टर्स ही होते हैं चेंज करते है। आज कल क्या है कि जो जमूद हुआ वह ये जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं डेट दे दी गई है इसी के साथ ही मेरा ख़्याल है आप मैं आ, मैं और आप अभी फ़ोरकास्ट नहीं कर सकते कि महीने बाद ये जमूत कितना खुलेगा बट मैं श्योर हूँ महीने बाद ये जमूत टूटेगा और फिर कुछ हो पाएगी तो ये तो इस वक्त तो अनप्रेसिडेंट सिचुएशन में फंसे हुए हैं और और लाइक डू यू सी होप उस तरह आई एम श्योर लाइक हर बंदा स्पेशली आप किसी बड़े से बात करें तो हर बंदा ऑप्टिमिस्ट तो होता ही है जरा कोई भी ये नहीं गया मैं रियलिस्टिक बात करूँगा देखें Uh, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक चाइनीज़ था उस जैपनीज था उसने एक पतीली ली उसमें चार फ्रॉक्स डाल दिए और नीचे बर्नर लगा दिया वो बर्नर में आग लग गई वो फ्रॉक्स तैरते रहे तैरते रहे और गर्म हो के उबलने लगा तो दे डाइट उसने बाहर निकाल दिए चार फ्रॉक उसने फ्रेश लेके तो उसी बॉइलिंग वाटर में डाले उन्हें छाल मार के बाहर निकाल दिए तो हम तो इस पतीली में गर्म हुए हुए हैं <laughs> बाहर से कोई आएगा तो वापस चले जाएगा मेरी बात समझ गई तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में हर चीज़ है आई थिंक वी डोंट हैव टू मैंशन दिस वी शॉर्टेज किसी चीज़ के नहीं है हमारे सिस्टम की हमारी गवर्नमेंट्स की हमारी पॉलिटिक्स की शॉर्टेज है वो ठीक हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो जाता है अब वो ठीक आराम से तो नहीं होगा और दैट इज़ मेन चैलेंज टू दिस कंट्री और आज तो पोलिटिकली हर चीज़ फंसी हुई है उसके साथ ही इकनॉमिक्स खराब हो जाती है और ओवरऑल ज़रा ये सारी चीज़ें होता है हाउ डू यू उस वर्क लाइफ बैलेंस को आप कैसे देखते हैं किसको वर्क लाइफ बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस मतलब व्हेन व्हेन यू आर लाइक वो एक फुल ऑन आप बिजनेस मैन मोड में हैं उसमें वो जो फैमिली लाइफ एक है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स आज के तो वो ये है कि यार आप किस तरह ना दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें बिकॉज माशाल्लाह ब्यूटीफुल फैमिली यू हैव सो हाउ डिड यू सरफ यू नो आई एम श्योर वहाँ भी बहुत मुश्किल आई बट सारा कुछ बट वट इज़ द फॉर्मूला फॉर देट के लाइक यू डोंट बर्न आउट बट मैं फैमिली लाइफ में टाइम बहुत कम देता हूँ अभी भी अभी भी बहुत कम देता हूँ इवन विद माई सन्स बहुत कम देता हूँ काम दफ्तर में ही बात करते क्वालिटी बात करते हैं कम टाइम कम देता हूँ मुझे चार पाँच साल चार पाँच घंटे चाहिए होते अपने आप के साथ ऑन यूट्यूब एंड इंटरनेशनली सीइंग व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज नॉलेज हैज़ माय प्रॉब्लम एंड दैट इज़ माय क्योसिटी तो मुझे जितना टाइम मिल जाए तो आई वांट टू नो मोर इन पॉलिटिक्स इन इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड इन हैप्पीनेस इन एवरी आई वॉन्ट

Unending. But ये so, कहाँ से आई है क्यूरोसिटी आप में ये वही यतीमी थी फादर डिन नॉट था। और आज इतना है कि uh, मेरी प्रायोरिटी ये है नथिंग एल्स और जो फैमिली की बात कर रहे हैं उनको मैं हर चीज़ बता देता तो, हूँ मैं टाइम बहुत कम देता तो, हूँ hmm. बहुत कम टाइम देता हूँ बिकॉज आई नीड दैट टाइम विद माई सेल्फ एंड चार पाँच छः घंटे तो बात ही कोई नहीं ना अपने साथ तो बिकॉज सो मच टू नो और विद दिस आज तो यार वी ये फॉर्चुनेट के ये इंटरनेट है वी अर फॉर्चुनेट और uh, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे तो बट मेरी तो एक्साइटमेंट ही है और uh, मतलब बहुत एक्साइटिंग है चीज़ है टू नो और विजडम कितनी ज़्यादा है तो, हमें क्या पता हमें तो पता ही कुछ नहीं स्टिल लर्निंग If I ask you now to give advice to a 17 years old kid, what would be your sort of five basic, you know, themes? Dake, ka number one, you can achieve anything that you want, which is realistic. But if you give your 100% to achieve that. Problem here is that But... मेरी बीवी की प्रायोरिटी क्या है मेरे बच्चों की प्रायोरिटी क्या है मेरी माँ की प्रायोरिटी क्या है बाप की प्रायोरिटी क्या है मैं उसमें डिवर्ट हो गया उसमें डिवर्ट हो गया आप उसमें डिवर्ट ना हो वो जितना आपका हक हाँ है या जितना कर सकते हो वो करें बट आप प्रायोरिटी पे जाएँ मैंने तला जी नहीं देखा कोई शख्स ना अचीव करते हुए हिज टारगेट अगर उसने हंड्रेड परसेंट अपना उस चीज़ को दे दिया हो ऑनिस्टली देखनाक्रीफाइज एवरी थिंग फॉर देट ये नहीं कि मैं इस् भी संभालना उन्होंने भी संभालना उन्होंने भी संभालना यू गोट टू बी फोकस्ड ऑन दैट एलन मस्को देखते हो कैसे बातें करते लुक एट इज आई तो यू गोट टू बी फोकस्ड हमारे बच्चे क्या करते हैं पूरी दुनिया के बच्चे क्या करते हैं वो अचीव भी करना चाहते हैं बातें भी करते हैं बट जब मैं मेहनत नहीं कह रहा मैं फोकस की बात करता hmm. मतलब, हूँ मैं सेक्रीफाइस की बात करता हूँ जब सेक्रीफाइस करने की बारी आती है वो वहां नहीं करते hmm. मैं हार्डवर्क में बिलीव नहीं करता मैं फोकस में बिलीव करता हूँ हार्डवर्क कौन सा hmm. हार्डवर्क मैंने तो कोई हार्डवर्क नहीं किया मैं तो फोकस्ड वर्क किया और इंजॉय किया काम को मतलब हाथ, हाथ से सारा कुछ किया हुआ है बट इन एडवेंचरस वे एंड अनदर थिंग यू शुड यू हैव टू बी फेयरलेस इन लाइफ बिकॉज फेयरलेस फेयरलेसनेस हैज़ इस ओन मैजिक नाइन्टी परसेंट लोग खौफ की वजह से चीज़ नहीं करते छोड़ देते हैं खौफ की वजह से रिस्क है ये है वो है अब देख के करो बट खौफ ना करो मैंने बहुत दोस्तों को देखा है जिनकी बहुत ब्रिलियंट थे मेरे से बहुत ब्रिलियंट थे सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी मेरे से मगर डि नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क का था स्केड बोल्डनेस हैज इट्स मैजिक डिवोटेड एंड फेयरनेस ये दो चीज़ें होनी चाहिए अभी इफ़ आई आस्क यू लाइक योर यू नो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वट डू यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ मेरा फोकस हेल्थ पे इस वक्त आई स्पेंड टू आवर्स स्विंग एंड आर एंड हाफ फिजोथेरेपी जिम टाइप चार घंटे तो मैं इस पर गुजारता हूँ दिस इज माई फोकस चार घंटे ये चार घंटे यूट्यूब आठ हो गए तीन घंटे ऑफिस नौ दस ग्यारह और आठ घंटे सोता हूँ सो माई फोकस इज हेल्थ आई एम सेवेंटी फाइव सो आई वॉन्ट टू लिव हेल्थी एज लॉन्ग एज आई कैन अब देखो ना मेरा फोकस हेल्थ पे है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हेल्दी एंड किकिंग hmm. तो ये चार घंटे लगाऊँगा तो करूँगा ना चो. तो बाकी चार घंटे वो नॉलेज पे और तीन घंटे दफ्तर में जो इम्पोर्टेंट होता है टू गाइड दाइक वहाँ भी मैं कोई uh, में तो जाता hmm. नहीं ना hmm. तो जस्ट वो पैशन है एंड हाउ हाउ डू यू हाउ डू यू मेक अ लाइक राइट डिसीजन लाइक बिकॉज ये भी जिंदगी में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यू हैव अपाथ और वो लाइक यू नो इफ़ यू जस्ट गो स्ट्रेट लाइक वरना तो आप अगर जाना लाहौर या कराची या यू नो जैसे मर्जी जाएँ सो वट इज़ दैट थिंग लाइक एक तो फेलियर से घबराए ना फेलियर्स होते हैं if you make ten decisions, दो डिसलत भी तो होंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं वो दो से आप सीख के आप बेहतर कर लेंगे hmm. लोग अक्सर फेलियर से डरते हैं मैं फेलियर से नहीं डरता बिकॉज अगर चार डिसीजन किए हैं ये गलत होगी तो क्या कौन सी बात है? Sure. उसको कवर करके आगे चलो आई लाइक एन एक्साइटिंग लाइफ एक्चुअली आम जी चीज़ बोरिंग हो जाती और अफेयर नहीं है मेरे में बिल्कुल क्योंकि फेयर किस चीज़ का जो आएगा तो देख लेंगे ना यार पहले होता बहुत और वो भी है अच्छा जिस चीज़ से आप महरूम होना वो नहीं कभी जाता आई वॉज एन ऑर्फन उससे नहीं जाती वो चीज़ नहीं जाती बंदे की तो आई टू ओवरकम फेयर क्योंकि मेरी तो सपोर्ट ही कोई नहीं थी कहीं भी नहीं थी और माँ एक थी जो हर वक्त घबराती रहती थी ये न हो जाए शी है वैनिशन तो उसको तो मेरा ही डर था जिंदगी का डर था तो उसे निकलना था मैंने वो प्राउड हुई आपकी जिंदगी में उस तरह या शी वाज वेरी प्राउड आई वाज थर्टी फोर वैंड शी डाइड तो मैं अमेरिका से आ गया हुआ था और मैं उनके लिए आया था वापस अदरवाइज आई वाज वेरी हैप्पी एंड सेटल्ड इन अमेरिका मेरा उस वक़्त जब मैं पाकिस्तान आया ट्वेंटी नाइन ईयर्स एज पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पाकिस्तान आने को hmm. मैं तो अमेरिका में सेटल्ड था एंड आई वॉन्टेड हर टू कम देर वो नहीं आना चाहती थी तो देन आई सेक्रीफाइज एंड बट देन आके भी वापस वो आठ दस साल बड़े अच्छे बिजनेस में जाता था देखता था आता था बट वो जो यहाँ ग्राउट हुआ हूँ अपने बाप की रिसर्च के साथ I'm sure he must be very proud of you. Well, I did my duty as a son. He was lost in history. हिस्ट्री and I put him there. That was at least uh, the least I could yeah. do for, for my father. That's no, all. Thank you so much for your time. Yeah, It was a uh, pleasure meeting you both. Come, I think वो होता है कि आप like you just sit with the genuine people who have done actually something rather than just you know बस वो कहानी आगे पीछे की so th 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 there is a lot to learn from कहानी कोई नहीं I'm sure end notes इतने ज़्यादा है कि you will be shocked कभी बैटिंग में बताएँगे Inshallah, in the next session. Thank, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.